आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि उत्तर प्रदेश में 28 नवंबर को यूपीटीटी की परीक्षा का आयोजन होना था और ये परीक्षा आपकी रद्द कर दी गई है, क्योंकि आपका पेपर कहीं ना कहीं लीक हो चुका था और इसकी भनक आपकी उत्तर प्रदेश सरकार को लग गई थी, जिसकी वजह से ये परीक्षा आपकी रद्द करनी पड़ी है सरकार को। और काफी अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में पहुंच चुके थे और जो फर्स्ट मीटिंग में आपका पेपर हुआ है, यानी कि जो होना था आपका, वह प्राथमिक स्तर की परीक्षा होनी थी और काफी अभ्यर्थियों ने अपनी ओएमआर शीट को भर लिया था और काफी स्टूडेंट जो है बुकलेट को खोल चुके थे। तो कुछ अभ्यर्थी हमें मिले हैं जिन्होंने ये बताया है कि परीक्षा का जो आपका पैटर्न था, जो बुकलेट में क्वेश्चन थे, काफी अच्छे स्तर के क्वेश्चन पूछे गए और बहुत ही आसान क्वेश्चन थे आपके। काफी अभ्यर्थी ने बताया कि जैसे ही हमने परीक्षा में देखा पेपर, तो हमें काफी खुशी हुई पेपर को देखकर, लेकिन आधे घंटे बाद उनको ये सूचना मिली कि परीक्षा आपकी जो है रद्द करनी पड़ी है सरकार को, क्योंकि आपका पेपर कहीं ना कहीं लीक हो चुका था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहें। अब बात करते हैं हम इस परीक्षा में कि ये परीक्षा आखिर आगे कब होगी। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जैसे ही कोई डेट इसके लिए आएगी, नई परीक्षा तिथि आपकी डिक्लेयर होगी यूपीटीटी के संबंध में, तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी दे देंगे। फिलहाल आपका इतना निश्चित है कि ये परीक्षा आपकी रद्द हो चुकी है और परीक्षा का पैटर्न काफी अच्छा था, जो कि प्राथमिक स्तर की परीक्षा का जो बुकलेट अभ्यर्थी ने खोल ली थी। अभ्यर्थी ने खुद बताया है कि बाल विकास, संस्कृत और हिंदी, यानी कि और भी सब्जेक्ट थे उसमें, मैथ वगैरह, काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। तो ये आपकी फिलहाल परीक्षा रद्द कर दी गई है और जैसी कोई जानकारी हमें मिलेगी इसी चैनल के माध्यम से हम वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग हमारे इस चैनल को। तो देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।